मेरा नाम सर केवल कृष्ण है। मैं 99 में जो करगिल वार हुई थी उसमें मैंने वहाँ पे पूरा सहयोग दिया। आर्मी के साथ हमें भर्ती करके ले जाया गया था वहाँ पे आर्मी को मिशन सपोर्ट करने के लिए, और जो भी हमें काम बताया जाता था वो हम करते थे। हमने पोस्टों पे मिशन पहुँचाया, और जो भी कोई फौजी हमारा शहीद हो जाता था उसकी डेड बॉडी उठा के हम नीचे लाते थे। इस जंग के दौरान हमारे 4-7 लड़के शहीद हो गए, उनके घर वालों को गवर्नमेंट ने एक एक बंदे को जाब दे दी। जंग 3 महीने जंग चला उधर अपना कारगिल में, तब भी बीजेपी की सरकार थी और आज भी बीजेपी की सरकार है। हमने कौन सा गुनाह किया? हमने देश के लिए काम किया, देश की सेवा की है। अगर आज भी जरूरत पड़ती है इस सरकार को हमारी, तो हम जाने के लिए तैयार हैं। अब क्या चाहते हैं? क्या अब हम ये चाहते हैं, जैसे हमारे साथियों को जॉब मिली है तो बाकियों को भी मिलनी चाहिए। अगर कोई गवर्नमेंट कानून बनाती है तो वो कुछ बंदों के लिए बनाती है, जब पूरे 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 हिंदुस्तान के लिए बनाती है। अगर उनको जॉब मिली है तो कोई भी आर्मी अफसर होगा वो अपनी मर्जी से भर्ती नहीं कर सकता जब तक उसको सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से आदेश ना हो। उसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला होगा भी लोकल लड़कों को भर्ती करो, जो लड़के आर्मी को मिशन सपोर्ट कर सके तब कामयाबी हो सकती है, ऐसे कामयाबी नहीं हो सकती। हमारी जो पोस्टें हैं पाकिस्तान की आर्मी ने वो कैप्चर कर ली हैं, क्योंकि उन्होंने तो मिशन घर बना लिया था वहाँ पे अपना। अगर ये लोग ना होते तो ये हिंदुस्तान हमारा जंग ना जीत पाता। हमने पाकिस्तान से तो जंग जीत ली, हमने 22 साल से हिंदुस्तान से हम जंग नहीं जीत पा रहे। अच्छा मुझे ये बताओ, ये जो ये अग्निपथ स्कीम चलाई है सरकार ने, क्या ये ठीक है कि नहीं? ये बिल्कुल युवाओं के साथ खिलवाड़ है। अगर हमको इन्होंने सर्टिफिकेट दिया है कारगिल ऑपरेशन विजय का, उसमें इन्होंने लिखा है कि जम्मू में कोई भी भर्ती आएगी सबसे पहले इनको फर्स्ट अपॉइंटमेंट दी जाएगी। 22 साल से आप हमको फर्स्ट अपॉइंटमेंट नहीं दे सकी आपकी सरकार, तो 4 साल में इन युवाओं को क्या दे पाओगे आप? ये युवा, ये इनको आर्मी की ट्रेनिंग होगी हर हथियार की। जो युवा 18 साल का भर्ती होगा 22 साल में अपने घर में आ जाएगा, वो 12 लाख किसी की बहन की शादी करने वाली होगी, वो शादी नहीं कर पाएगा, वो अपनी नहीं कर पाएगा और ना ही अपना घर बना पाएगा। जब उसको कुछ रोजगार नहीं मिलेगा वो युवा मिलिटेंसी की तरफ जाएगा, क्योंकि उसको आर्मी की हर हथियार की ट्रेनिंग होगी। ये बिल्कुल गलत है और ये नजायज़ है। कम से कम 15 साल तो इन्होंने करवाने चाहिए, उसके बाद ये कर लें। उन जो 25% चले जाएंगे, जो लड़के तेज होंगे वो तो चले जाएंगे, जो 75% लड़के होंगे जो 4 साल। सरकार को ये स्कीम जो है वापस लेनी चाहिए। ये गलत है, युवाओं के साथ ये खिलवाड़ है। ये अच्छा ये काम नहीं है, युवाओं के साथ ऐसा खिलवाड़ मत करो। अगर सरकार हमारे लिए कुछ सोच नहीं सकी जिन्होंने इतनी कुर्बानी दी जंग के दौरान, शायद पाकिस्तान की गवर्नमेंट होती तो वो भी उनको कुछ ना कुछ देती। अगर उनके नागरिक होते तो इस बीजेपी सरकार ने हमको क्या दिया आज तक?